अमेरिका में घर पर देखने गया होगा, यहाँ से भगेगा तो जब रुकेगा कहाँ, देश तो गुलाम कर दिया। कर्जा देख लो, जब ये आज जजब की तथा आज की तथा पैसा तो ये जेब में लेगी सर, ये पार्टनर है उनका, साइलेंट पार्टनर बम्बई वालों का, तालिबान का असर यही देख लेंगे हम कहाँ वीजा पीजा लगवाते फिर, यहाँ भी तो मारकाट होने वाली है, तालिबान ही बना के जाएंगे। ये जनता इन्हें यहाँ से दौड़ा दौड़ा के भगाएगी। रोजगार की बात ये नहीं करते, अस्पताल की ये नहीं करते, शिक्षा की ये नहीं करते, बुलेट ट्रेन इनकी गायब हो गई। ये व्हाइट हाउस का फोटो लगा के भी कह सका है कि हर शहर में मुख्यालय बन गया है। अरे वैक्सीन इन पे नहीं, अस्पताल इन इन पे नहीं, स्कूल इन पे नहीं, बच्चे घर बैठे, शराब की दुकान खुल रही है, वो कह रहा देश में भी बस ये टीवी वाले और नाचना शुरू करेंगे अब चुनाव के टाइम के, मंडे देखो, पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान देखो, ये दिखाएंगे टीवी पे। मीडिया के 90% चैनल से यकीन उठ गया जनता का, सरकार फर्जी, दोनों नेता फर्जी और ये मीडिया फर्जी। दाढ़ी वाले की एक 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 भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मन की बात करेगा कि तेरा मन कुतुब मीनार है भाई, मुख्यमंत्री नू दुखी के कभी तुझे बदलना दे, ये डाकू आ गए, ये गलती नहीं माने, तमंचा दिखावा यहाँ ऐसे लूटेंगे, हम तो फकीर आदमी है भाई, जोड़ा लेंगे निकल लेंगे, तलाशी कौन तेरा मामा देगा। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ किसान यूनियन के और किसान आंदोलन के अघोषित प्रवक्ता, लेकिन इनकी बातों में वो तेवर है कि सरकारें हिल जाती हैं। जय कुमार मलिक हमारे साथ है। जय कुमार मलिक, पहले तो आप ये बताइए कहाँ चले गए थे आप? मैं कुछ नहीं, कामकाज से गया था, एक तबीयत थोड़ी बीच में ख़राब हो गई थी 5 तारीख की मुजफ्फरनगर पंचायत के बाद, तो 3-4 दिन बाद आया हूँ। 3-4 दिन बाद तो अभी का क्या प्लान है अब किसान आंदोलन का? अब यूपी चुनाव को लेकर एकदम तैयारी जोरों पे हो गई है, एकदम जोरों पे। हाँ। तैयारी चुनाव में गांव में घुस नहीं पाएंगे, अभी ये कर रहे हैं कि किसान सब तैयार हैं, बात कर रहे हैं, दरवाजे खुले हैं, कहीं की कुंडी खुली है, इन्हें शर्म नहीं आ रही? अरे किसान बैठा के बात कर लो। मोदी जी कहते थे कि मैं तो तैयार हूँ, एक फोन कॉल की दूरी पर नंबर बता, किसान हैंग कर देगा पूरे देश का अगर तू फोन उठा ले तो। ये छोड़ो अलूले छोड़ो, सीधे रास्ते से आकर बात कर लो, किसान के साथ जो करा 10 महीने गलती मान लो, 3 कानून वापस ले लो, MSP गारंटी दे दो, राड खत्म हो जाएगी। अभी तो अमेरिका गए हैं प्रधानमंत्री, तो अभी कैसे आ जाएंगे? अमेरिका ही रहेगा, 24 के बाद परमानेंट जाना पड़ेगा। अमेरिका में घर पर देखने गया होगा कि यहाँ से भगेगा तो जब रुकेगा कहाँ, दूसरे देश में इंजाम तो करने गया होगा, पैसे पूसे बहुत आ ही रहे, क्यों बहुत सारी कंपनी बेच दी, पैसे तो घने सारे ले रहा बैग में, तो कहीं एडजस्ट करने गया होगा कि हिंदुस्तान की जनता अगर भगाएगी तो जाकर रुकूंगा कहाँ। कौन सी कंपनी बेच के पैसा, मोदी जी थोड़ी रख रहे हैं, वो तो देश के काम आ रहा है। कौन से देश के काम आ रहा है, देश पे तो कर्जा बढ़ रहा, देश तो गुलाम कर दिया। कर्जा देख लो, जब ये आज जजब कितना था आज कितना है, गूगल खोल लो, गूगल आप बता देगा, मतलब पैसे आ रहे हैं देश पे लगा रहा, देश तेल बिक रहा 100, सरसों का बिक रहा 150-250, ठीक है जी। और ये तुम्हारा एक गब्बर सिंह टैक्स है, लोगों को राहत नहीं है, पैसा तो ये जेब में ले गए सब, ये पार्टनर है उनका, साइलेंट पार्टनर बम्बई वालों का, सेटिंग करने गया होगा। तेल महंगा होने से परेशानी है आपको? क्या तेल महंगा होने से परेशानी है? परेशानी और कहीं को ना, रोज लेना पड़ा ट्रैक्टर में 500 रुपए का तेल लो, 5.5 लीटर आ रहा। अफगानिस्तान में सस्ता है तेल? अफगानिस्तान में सस्ता, श्रीलंका में 56 रुपए बिक रहा है, नेपाल में 65 बिक रहा है, जो हमसे लेकर बेच, जो हमसे खरीद के बेच रहे हैं। सस्ता पेट्रोल दे रहा, वहाँ जाना चाहेंगे आप? अरे तालिबान तो ये बनने जा रहा है कुछ दिन बाद, तालिबान का असर यहीं देख लेंगे हम कहाँ वीजा पीजा लगवाते फिर, यहाँ भी तो मारकाट होने वाली है, तालिबान ही बना के जाएंगे। मारकाट होने वाली ये दोनों, जब गरीब पे काम नहीं रहेगा, लूट खसोट बढ़ेंगी, देश में क्राइम बढ़ेगा, और क्या होगा, रोजगार तो है नहीं, पेट रोटी तो मांगेगा ना, परंतु 14 करोड़ इकट्ठी करके हो सका चुनाव के पहले, अचानक जबरदस्ती 14 करोड़ दे इकट्ठी कर रहा हूँ बैंक में, जमा कर रहा हूँ नौकरियाँ। ये जनता इन्हें यहाँ से दौड़ा दौड़ा के भगाएगी, इतनी परेशान है जनता देश की, जाकर देखो। रोजगार की बात ये नहीं करते, अस्पताल की ये नहीं करते, शिक्षा की ये नहीं करते, बुलेट ट्रेन इनकी गायब हो गई, पता नहीं कर क्या रहे। यूपी से आए आप? यूपी इसी जिले से हूँ, जनपद से, गाजियाबाद से। तो यूपी में तो स्मार्ट प्रदेश बन गया है, योगी जी कह रहे हैं। ये तो शुक्र है स्मार्ट लिखा इन्होंने, ये व्हाइट हाउस का फोटो लगा के भी कह सका है कि हर शहर में मुख्यालय बन गया है, व्हाइट हाउस दिखा सके हैं फोटो में, इतने बड़े झूठे हैं। तो इनका कुछ कहने का है, कौन सा काम कर दिया उत्तम प्रदेश का, कैसे बन गया, एक काम बताओ, इनके घोषणा पत्र का एक काम बता दो इन्होंने किया हो। स्मार्ट सिटी बन गई, बुनियाद भी रखी गई, कहीं बुलेट ट्रेन चल गई, इंजन भी ना खरीदा गया, इन पर भी चोरों पर हुआ क्या है? अरे वैक्सीन इन पे नहीं, अस्पताल इन पे नहीं, स्कूल इन पे नहीं, बच्चे घर बैठे, शराब की दुकान खुल रही है, हो क्या रहा देश में भाई, पूछने वाला नहीं है कोई इनसे। ये लुटेरों की सरकार आ गई है, सबसे बड़ा लुटेरा, पहले कहते थे ना अली बाबा 40 चोर,
ये अलीबाबा दो चोर हैं, सारे देश को लूटेंगे। देश तरक्की कर रहा है, आप लोग बहका रहे हैं देश की ली तरक्की। देश ने कर कहाँ ली तरक्की, दे बता तो दो। तरक्की टीवी पर कर रहा, अखबार में कर रहा, और बताओ कहाँ कर रहा अब तरक्की। कोई एक नौकरी लगाई 7 साल में, कोई एक ईंट रखी स्कूल की, कोई अस्पताल का बुनियाद खुदवाई, तरक्की कहाँ कर रहा भाई। पहले खरीद दे बेच रहा। योगी जी बोल रहे हैं 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया उन्होंने, अपने दफ्तर में दे दिया होगा योगी जी ने, किसी कंपनी में दिया ना, किसी विभाग में तो जॉब खुली ना, अपने कैंप कार्यालय में दे दी जॉब। देखिए पहले बुजुर्ग कहते थे गलती हमारी है, हमारी दादी क्या करी, बेटा बाहर मत जाना दाढ़ी वाला उठा के ले जाएगा। हम सोचे झूठ बोल रही है, पता चला दाढ़ी वाला तो उठा के ले जाएगा, इस सारे देश को बेच बाच के गिरवी धर के जब जाएगा। हमें दादी की बात समझ में नहीं आई। एक बार बताओ गांव में कहावत थी कि 500 बीघे जमींदार का लड़का जमीन बेच रहा निकम्मा है, अगर खरीद रहा तो बढ़िया है, तो बेच रहा निकम्मा ही तो है। कई चौकीदार को सिग्नेचर के अधिकार किसने दे दिया बेचने का, क्यों बेच रहा भाई। जनता जवाब मांगेगी, ये पब्लिक है सब जानती है बाबू। आ रहा 22 में ऐसी डोज देगी कि ये कोरोना से बड़ी बीमारी, ये बीमारी है मोदी इस देश में। हराएंगे आप लोग कैसे हराएंगे, वोट खिलाफ डाल के। कितने लोग हैं आपके साथ, हमारे साथ ये सारा किसान परेशान है, सारा मजदूर परेशान है, सारा युवा परेशान है, हमारे साथ कोई नहीं है, हम ही लोगों के साथ हैं, पूरा देश दुखी है। पता चलेगा जब ये रैली निकालते हैं। अभी योगी जी आए थे कल, कितने लाख आदमी थे, गब्बर पूछता कितने आदमी थे, आदमी तो बुला के लाए 500 में, वे भी 500 ही गए, काम खत्म हो लिया इनका, इनकी का झूठ खुल चुका। अब तो भागने की तैयारी है, किसान भी तैयार बैठा। एक बताओ जहाँ 70% लोग रहते हैं जिस देश में गांव में, वहीं जा सकते हैं क्या, इनका MLA झंडा ताल ले गांव से पहले, शहर शहर में लगा पा रहे हैं कि गांव आ गया झंडा ताल लो। आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रही है योगी सरकार, कोई सी यात्रा शुरू कर ले। एक बार बताओ जो चोर पकड़ा गया हो चोरी करता हुआ, वो कोई से मंत्र पढ़ ले, कोई सी पूजा कर ले, उसका कौन यकीन कर रहा तो पकड़े गए कि चोर हैं, इनसे बचो, देश दुखी है इनसे। बस ये टीवी वाले और नाचना शुरू करेंगे अब चुनाव के टाइम कि मंदिर देखो, पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान देखो, ये दिखाएंगे टीवी पर। वो भी समझ गए कि ये भी नकली है, इनकी बात का यकीन उठ गया आज मीडिया से, मीडिया के 90% चैनल से यकीन उठ गया जनता का कि प्लांटेड है, झूठ बोल रहे हैं, मीडिया झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अच्छा एक बात, मीडिया नु कह रही है, एक टीवी एंकर नु कह रही, सीतारमण बजट पढ़ रही कि धत्थर कापरा पाकिस्तान लाहौर का बजट पढ़ रही थी, वो इंडिया के बजट में पाकिस्तान का क्या लेना देना भाई, सब समझ गए। ये तो गपूची गम गम है दोनों की, इनकी ये दोनों फर्जी, सरकार फर्जी, दोनों नेता फर्जी, और ये मीडिया फर्जी। तो मतलब मीडिया जो बता रही है कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया और झूठ बता रही है। ने कौन सा अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया गिनवा दे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर गिनवाओ ना, बहुत अच्छा काम किया बताते हैं नहीं। यूपी में कह रहे हमने वहाँ बहुत अच्छा काम किया, आसाम में कह रहे हमने बम्बई में अच्छा काम करा, दिल्ली में कह रहे दिल्ली में अच्छा काम करा, ये दूसरे प्रदेश जाके झूठ बोल रहे हैं, ये चोर है चोर। पब्लिक समझ गई कि चोरों के बहकावे में नहीं आना। अरे एक तो काम आपको पसंद आया होगा योगी जी का, एक तो बताए कौन सा करा हो, एक यूं तो बताए वो करा, मंदिर बनवा दिया, मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण कर दिया, मंदिर से रोटी मिल जाएगी, मंदिर से इलाज मिल जाएगा, मंदिर से शिक्षा मिल जाएगी, ये हमारे गांडे के पैसे दे नहीं पाया, मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा, क्यों कर रहा भाई। अरे हमारे दिल में मंदिर, हम राम के राम हमारा, सवेरी हाथ जोड़ लें, तू क्यों दुखी हो रहा मंदिर से। अरे बन गया हाईकोर्ट ने बनवा दिया, बन जाएगा, इनका क्या रोल है उसमें, हाई कोर्ट भी यही देख रहे हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया तो बनवा दिया, इनका क्या रोल है। एक अच्छाई योगी जी में, योगी जी संत आदमी है, उनके कोई एक अच्छाई तो होगी, एक काम तो बताओ जो इन्होंने करा हो, अच्छाई है झूठ बोलना, बड़े वाले से सीख के छोटे वाला चालू बोलिया। गंगा जी के तट पे कह गया तीन साल पहले योगी जी, यहाँ गढ़ में गंगा जी के तट पे जिसको लोग पूछते हैं कि 31 नवंबर तक 1-1 रुपया का पेमेंट करा दूंगा, करा दिया क्या, पूछ के देख लो। मीडिया की हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल कर ले, सवाल करेगा विपक्ष से, सवाल करेगा संगठन से, सवाल करेगा किसान से, सरकार से सवाल नहीं करेंगे। ये 7 साल में दाढ़ी वाले की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि मन की बात करेगा, क्यों तेरा मन कुतुब मीनार है भाई, तेरे मन की बात हम क्यों सुने। अरे जनता के मन की बात कर, जनता के विकास की बात कर, काम की बात कर, मन की बात कहेगा भाग जाएगा। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे,
अच्छा प्रधानमंत्री हो के देश से अपने मन की बात नहीं बता सकते? इसके मन की अपने घर में ना बता पाया, वहाँ ना सुनी किसी ने, हम क्यों क्या सुनेंगे? इसके मन में है ही ना, इसके मन में तो अंबानी अंडादानी की बात है, व्यापारी की बात करेगा, इसके मन की हम क्यों सुने? देश के मन की कर, किसान के मन की कर, मजदूर के मन की कर, युवा के मन की कर, बेरोजगार घूम रहे हैं, बीएड कर करके है, एमएससी कर करके नौकरी नहीं है, उसकी बात कर, नौकरी तो कहाँ गया देश का? पर दे नौकरी देगा कहाँ, जब बेच रहा भाई, नौकरी तो बेचल लग रहा है, संस्थाएं तो हिसाब लेगी जनता। क्या चाहते हैं, सरकार सीधे सबके लिए नौकरी कर दे? क्यों सरकार नौकरी कुछ तो बढ़ाती, मान लिया पहले 2 लाख थी, 2,10,000 करती, वेज घटा क्यों रहा है? कम से कम वही रोक लेता जितनी थी, अगर बस की नहीं थी इनके काम करना देश में तो घटाते तो ना, वही थाम लेते, हमारे बस की नहीं है जी बढ़ानी। अच्छा आप लोग शुरू किए किसान आंदोलन में किसान बिल के विरोध से, अब हर बात पे मोदी योगी को घेर रहे हैं, अरे तो इसको मोदी योगी का विरोध ना माना जाए? अरे मोदी योगी का विरोध नहीं, सरकार का विरोध है, सरकार मोदी योगी की तो है, योगी की भी नहीं बेचारे की, योगी कुछ नहीं चलती, उसे दिल्ली बुला ले हर महीने के, योगी यहाँ आ जा, यो ऐसे करिए वो वैसे करिए, तो बेचारा स्टूडेंट है, टीचर तो वहाँ बैठा है अमित शाह, वो टीचर बता दे कि सुनिए योगी ऐसे करना वैसे करना, उस बेचारे कहाँ चल रही है यार, वो तो कुर्सी बैठा चिपका हुआ, कहीं छीन ना ले, अभी हरियाणा और उत्तराखंड की राहत तुझे ना बदल दे, तो अपनी कुर्सी बचाए फिर है। अरे गड़गड़ी ने कहा तो हिम्मतदार मंत्री गड़गड़ी, उसने कहा एक कांग्रेस के प्रोग्राम में कि एमएलए को यूं दुखी के मुझे मंत्री नहीं बना, मंत्री नू दुखी मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, मुख्यमंत्री नू दुखी के कभी तुझे बदल ना दे, तो वो तो अपनी कुर्सी बचाए फिर है, उस बेचारे की चल कहाँ रही है, उसकी सुन ले तो ये अब ये हालात ही ना होते। मतलब आप कह रहे योगी जी की नहीं चल रही बात, कहाँ चल रही है उसकी बेचारे की, उसे तो अभी दिल्ली बुला लिया बदलने को, कि दिल्ली तो हुआ, अरे दिल्ली को प्रिंसिपल बैठा है, क्या कहे दिल्ली, उसे स्वतंत्र मुख्यमंत्री बनाओ, स्वतंत्र तब कुछ फैसला हो पाता, योगी जी स्वतंत्र नहीं है ना, स्वतंत्र ना बंधन में, तो बेचारा क्या मजा, अपनी कुर्सी बचा रहा है सच में, अरे वो उत्तराखंड का ना बदला, हरियाणा का ना बदल दिया, गुजरात का फिर वे अपनी कुर्सी बताओगे, अगर एक बार बताओ पड़ोस घर में डाकी लूट हो गई हो, अपने घर में जागता रहेगा आदमी के फलाना गांव लूट गया तू ठीक रहे, योगी बेचारा अपनी कुर्सी बचा रहा, इन पापियों से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बंधन में, स्वतंत्र नहीं है। तो किसान क्या चुनाव लड़ेंगे? क्यों लड़ेंगे चुनाव, किसान चुनाव नहीं लड़ेगा, ये किसान की चुनाव समय नहीं आता, बेमन निकराग जिसे बैठा वही बेमान निकड़ा है, पहले चोर सरकार भगाई थी, क्या ये छोटी मोटी चोरी कर ले कांग्रेस, किसान या मजदूर विरोध करता था तो अपनी चोरी उल्टी ले लग रहे, गलती मान लग रहे, ये डाकू आ गए, ये गलती नहीं माने, तमंचा दिखावे कि हाँ ऐसे लूटेंगे, अब क्या कोई न्याय लाऊंगे, साफ सुथरा, जो किसान की बात करे, युवा की बात करे, रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, किसको लाएंगे, मंदिर की बात करे ना, जनता आप ढूंढ लेगी, जनता आप ढूंढ लेगी, हमने को बंगाल में कही ममता को ले आओ, हमने कही चोरों को मत ले आओ, लूट लेंगे, वहाँ की जनता समझदारी आप समझ गई, वही यहाँ भी करेंगे, हाँ हम तो कह रहे हैं नहीं चोर है, क्या कह रहे हैं हम तो, और इनकी जान बिहार में तो चाचा जान बचा गए, यहाँ नहीं बच पाएगी, यहाँ की जनता समझ गई कि बी टीम आ रही है वोट काटने को। तो मतलब योगी जी की हार तय है किसानों के अनुसार? योगी जी की हार, योगी जी का है क्या बेचारे का, योगी का अपनी पार्टी नहीं, योगी का अपना मुख्यमंत्री नहीं, योगी का बेचारे पे है क्या, योगी पे एक लंगोटी और एक वो कुर्ती, वो तो बेचारा टाइम काट रहा, मुख्यमंत्री नाम तो लिखा जा रहा, आदेश तो मुझसे मिला है, हाँ बच जाती जान विद्रोह करना चाहिए कि नहीं मैं इसके साथ नहीं हूँ आप गलत के, तो जनता योगी के पीछे आप लग जाती, जो किसान की बात कहता, किसान की तो कहते ही नहीं, बात करेंगे पूंजीपति की घुमा फिरा के, कान यूँ पकड़े हैं सीधा ना पकड़ते, बोले इसमें फायदे बहुत हैं, एक नंबर दो नंबर पता नहीं, अरे जनता के बीच में बैठ के कोई MLA कोई मंत्री कोई MP नू तो बता दे कि यो फायदा एक है, यो बता ही नहीं पाएंगे, कोई है ही नहीं, बस टीवी पे वो बोलेंगे भाग जाएंगे, टीवी के पीछे एक बोर्ड लगाएंगे, किसान की फसल लगाएंगे और वहीं खेत दिखा के खाट बिछा के। अच्छा मोदी जी का एक फोटो देखा आपने, कालीन पे जूते लिए बैठे हैं, वे कालीन पे जूते भूल गए, खाट कालीन पे खाट पे बैठेंगे, फोटो दिखाना टीवी पे, वो किसी ने नीचे की फोटो खींच ली, कालीन भी है, ऐसी पार्टी है, ऐसे नेता है, झूठ का पुलिंदा है। तो क्या दिक्कत है कालीन पे बैठ गए प्रधानमंत्री? तो दिखावा करने की जरूरत थी, कालीन से दिक्कत नहीं है, दिखावे से दिक्कत है, क्यों दिखावा कर रहे थे खाट का, खाट क्यों दिखाना चाहते थे, खाट को क्यों दिखाना चाहते थे, ये झूठ से दिक्कत है, फरेब से दिक्कत है, लूट से दिक्कत है, छल से दिक्कत है। ये एक बात सुन लो, जब जब ज़्यादा दमन हुआ जनता का, जब जब तख्ते पलट हुई हैं, ऐसा ना हो जनता 24 से पहले ही हटा दे, ऐसा भी तो हो सके, जनता ही तो मालिक है, सड़क पाओगी हटा देगी,
और एक दुर्योधन की हट ने पूरा पूरा कुटुंब खपवा दिया। ऐसे ही है जैसे रावण कहता ना सीता नहीं लौटाऊंगा, ये कहता कानून नहीं लौटाऊंगा। रावण भी मान गया था, भी मान जाएगा, उसने भी लौटाई थी, वो भी लौटाएगा, क्यों नहीं लौटाएगा? क्या नौकर की तानाशाही मालिक पे चलेगी? नहीं, मालिक जगेगा तो भागना पड़ेगा, रास्ता खोजने से नहीं मिलेगा, कहाँ को भगूं। ऐसा नहीं है भाइयों बहनों, इशारों में कह दिया, हम तो फकीर आदमी है भाई, झोला लेंगे निकल लेंगे, क्यों तलाशी कौन तेरा मामा देगा? झोले में तलाशी न लेगा देश की जनता? ये एयरपोर्ट पर जहाँ से उड़ के भगेगा कि एयरपोर्ट के पैसे बता कहाँगे, तेल के पैसे बता कहाँगे, रेल के पैसे बता कहाँगे, ये सब हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी बेच के भाग जाएगा। चलिए ठीक है, जय कुमार मलिक हैं हमारे साथ, हिसाब मांग रहे हैं प्रधानमंत्री से और फकीर के झोले की तलाशी लेना चाहते हैं। ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किसान आंदोलन। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।